बठिंडा दी ग्रीन सिटी दी अपार सफलता तो बाद हुन पेश है कन्हैयाज ग्रीन सिटी, जिथे सिक्योरिटी दे पुख्ता प्रबंध, खुलियां सड़कां, हरा भरा वातावरण, बिजली दियां अंडरग्राउंड तारां अते खूबसूरत फुल पौधे, लैंडस्केपिंग अते निर्माण कार्य चल रहे ने तेजी नाल। इस तो पहला कि सारे प्लाट बुक हो जान, संपर्क करो 8556002064 अते 85560021। कोरोना मरीजां नूं पिछले साल दी तरह वक्रे एकांतवास विच रखण दे नहीं हन इंतजाम, किन्ना कु सही है घर विच क्वारंटाइन करन दा फैसला। सारे जानते हैं कि कोरोना महामारी नाल लगातार जंग जारी है। एक वड्डी चिंता इस दौरान ऑक्सीजन की कमी दी भी नज़र आ रही है। इस दौरान रेडियो पंजाब टूडे की टीम वालों स्थानक सिविल सर्जन डॉक्टर तेजवंत सिंह नाल गलबात की गई तो उन्होंने दस्सिया कि नवे नियमों मुताबिक एकांतवास करने की शर्त नूं घर विच रहण तक ही सीमित कर दिता गया है। इत्थे एक वड्डा सवाल भी खड़ा हुंदा है क्योंकि कोरोना मरीज़ की हल्की जिही लापरवाही नाल भी कोरोना की बीमारी अगे फैल सकती है। देखो पिछली बार जिस तरह आई सी आइसोलेशन लैवल 1 चलता सीगा, आपां चाहुंदे सी वी जिहड़े पेशेंट ठीक भी है उन्हां नूं भी आपां आइसोलेट कर दईए। वह प्रिजन जिवें लोकां नूं सीगा वी असीं घरे आपदे आप साडे जिवें पंजाब अपनी फिर भी चंगी स्टेटां 'च आउंदी है वी असीं आपदे घर साडे वधिया ने असीं आपदे घर ही आइसोलेट हो सकदे हां। सो लैवल 1 दी फैसिलिटी सरकार ने उस करके बंद करती भी सारे आपदे घर जो ए सिमटोमैटिक पेशेंट आपदे आपदा घर आइसोलेट हो जाओ। सो हुण लैवल 2 ते लैवल 3 ही जिहड़े चल रहे ने इस वेले। लैवल 2 बठिंडे है अपने 125 बैड का अपने को टोटल इंतजाम है लैवल 2 का। साढ़े को डिस्ट्रिक्ट हैडक्वाटर से 50 बैड ने, नाल ही असी 25 बैड का DDRC सेंटर इंतजाम किया हो, प्लस 50 बैड साढ़े खुदे के बैकअप से रखे हुए हैं सिविल हॉस्पिटल के। ये साढ़ा बैकअप प्लैन है भी सूँ लोड़ पी तो उतों बद के पेशेंट आए तो उत्तर भेजा। दूसरा टाइम टू टाइम असी प्राइवेट हॉस्पिटल भी टाइअप किया हो, जिमें इनक्रीज पहला 400 बैड ही सके हूँ इनक्रीज होकर 600 बैड हो गए ने। उस तरह ही लैवल 2 के बैड उन्होंने गाहां की प्रोविजन 750 की असी मंग ली है, पर जिमें जिस सानू रिक्वायरमेंट आऊगी असी अज की डेट च उन्होंने कोल कल जी रिपोर्ट गई है 200 बैड उन्होंने कोल लैवल 2 के अजे खाली पे हैं। लैवल 3 अपनी जरूर जी ऑक्यूपेंसी 80% के अराउंड हैगी है, वो नैचुरली रिसोर्स ज़्यादा चाहिए ने। इतों बाकी रैफरल हैगी फरीदकोट, जो भी पेशेंट इतने समझो साडा सरकारी है वो जो इतने नहीं सैटल हों असी लैवल 3 के पेशेंट उत्थे फरीदकोट रैफर कर दें। तो जो आप कही तैयारी जिमें RT-PCR जो पिछले बार शुरू होया हार्डली RT-PCR पहला 500 होंगे सी, इस वेले 35,000 तो वध RT-PCR डेली हो रहे हैं। तो साढ़े भी इतों घट्टो घट 1500 RT-PCR सैंपल ही जा रहे हैं फरीदकोट, प्लस साढ़े रैड टैसटिंग है वो साढ़े को किटा वाधू ने, वो असी कल 3,000 दिन तक टैसटिंग हुई है साड़ी, जिस 1500 RT-PCR हुए हैं तो 1500 ही साढ़े रैड टैसट हुए हैं। सो और साढ़े को सारा समान सरपलस है, ना कोई PPE किट की घाट है, ना कोई सानू जी रूटीन स्टीरॉयड्स की घाट है, ना साढ़े कोई इस तरह की वेंटीलेटर की घाट है। ये सारिया पिछले साल में आप इस तरह बैटर प्लेसड हाँ, थोड़ी जो ऑक्सीजन जरूर आप कहने नैक टू नैक चल रहे हैं, फिर भी असं कोशिश कर रहे सारे 24 घंटे की सप्लाई सारे को रहे। वो नैचुरली पेशेंट लोड है तो ज़्यादा है, ओवरऑल इंडिया ही जिम्मे इस तरह की प्रॉब्लम है, पर फिर भी आप क्राइसिस नहीं है, पर सानू वॉच रखने की 24 घंटे लोड़ है किसी को ऑक्सीजन ना कटे। नहीं क्वारंटाइन देखो तुम पहले दसता लैवल 1 तो लोगों ने एक्सैप्ट ही नहीं किया, असी क्वारंटाइन होम क्वारंटाइन शुरू करता, उन्होंने जियो मैपिंग ना हूँ उन्होंने उत्तों एक बनाया जियो मैपिंग उन्होंने फोन स्मार्टफोन ऑन करके उन्होंने उत्तों मोनीटर कर रहे हैं। जे वह ब्रीच करता शहर 300 मीटर 700 मीटर वो मोबाइल जे सारे ऑन रखे तो सानू ब्रीच पता लग जाती है। वो एक डाटा सैल बनया हुआ है DC ऑफिस, एक डाटा सैल बनया हुआ है पुलिस कंट्रोल रूम च, जे कोई ब्रीच करता वो इनफॉर्म वो DC वाले पुलिस कंट्रोल रूम कर देंगे है, वो असी करैक्ट कराने 24 घंटे के अंदर कोई ब्रीच ना हो। इस तो अगे नौजवान वैलफेयर सोसायटी तो सोनू महेश्वरी नाल भी गलबात की गई, उन्होंने दसिया कि उन्होंने हाले तक पिछले साल के मुकाबले सरकार वालों कोई भी नवा निर्देश हजे तक जारी नहीं हुए हैं, इस दे बावजूद वह पूरी तरह तैयारी दे विच हन, जिस दे विच उन्हां वालों खाने के प्रबंधों तो लैके बाकी मरीजों की साफ संभाल लई भी उन्होंने सोसायटी पूरी तरह तैयार है। सुनते हैं उन्होंने गलबात जी। जदों 2020 का टाइम सीगा उदों की परिस्थिति होर सीगी,
जिहड़ी हुण 2021 दा टाइम हैगा इहदी परिस्थिति उहदे नालों जमा ही डिफरेंट है। सब तो पहलां जदों 22 मार्च 2020 नूं जनता करफ्यू लगाया गया सी प्रधानमंत्री वल्लों पूरे देश दे विच, तां उदों असीं बठिंडा दे विच देखिया वी अचानक ही जिहड़ा सवेर तों ही जिहड़ियां पुलिस दीआं टीमां सवेरे 6 बजे तो ही अड्ड अड्ड एरिए तैनात हो गई सी ते आवाजाही पूरी तरीके नाल बंद सी। लोगों ने भी पूरा साथ दिता, सारिया दुकाना घर के कोई भी बंदा बाहर नहीं निकलिया। पर सानू एक समस्या उदो यह लगी भी जोड़े बंदे बेसहारा लोग है जोड़े बठिंडा दे जोड़े कोई डेली मतलब कमा के खाने वाले है उन्होंने लिए उस टाइम समस्या पैदा हो गई सी। तो असी सेम डे ही असी चाह का बिस्कुट का ब्रैड का असी लंगर लगया तो अड्ड अड्ड एरिए डिस्ट्रीब्यूट किया। उस तो बाद अगले दिन ही पंजाब के मुख्यमंत्री वालों पूरे सूबे दे विच करफ्यू ऐलान कर दिता गया ते जिहड़ा साडा पंजाब सीगा वह पूरे देश का पहला एजे स्टेट सी जिहदे विच करफ्यू लग्या सीगा उस टाइम। तो असी सेम डे ही जिहड़ा मतलब 23 मार्च 2020 नूं एक बहुत वड्डे असी लंगर की व्यवस्था की, नाल ही सानू देखण दे विच मिलिया कि जिहड़े बेसहारा पशु है जिहड़े वह बेचारे सड़कां ते घूमदे है ते उन्हां नूं लोग कोई ना कोई खुरलियां दे विच भी पा दिंदा हैगा तो गऊशाला दे विच भी जाना हुण बंद हो चुका हैगा। तो जिहड़े बेसहारा पशु हैगे है तो उन्हां लई भी एक बहुत वड्डी समस्या हो गई सी ते असीं नाल ही वड्डे लैवल ते करीए ते जी उह सारा क्योंकि तुसीं नोट आउट बहुत चंगे पद्धर ते काम कीता सीगा ते इस वार दीआं की तैयारियां चल रहीआं ने जी? इस वार दीआं जिहड़ीआं तैयारियां हैगीआं इह लंगर नालों वक्खरीआं तैयारियां है, इह होर टाइप दा कंटीन्यूअसली असीं चलदे आ रहे हैगे हां। फिलहाल साडी संस्था वल्लों जिहड़े करोना पॉजिटिव जे कोई मृतक की पेशेंट की डैथ हो जाती है तो उन्होंने मृतकों का संस्कार भी जिहड़ा साडी टीम वल्लों किया जा रहा है। करोना सेंटर जिहड़े सरकारी बने हुए है उहदे विच लगातार ही जिहड़ा चाह नाश्ता दुपहर की रोटी तो रात की सारे भोजन का प्रबंध साडी संस्था वल्लों किया जा रहा है। इस तो इलावा बठिंडा दे विच भी कई इस तरह के मजबूर लोग हैगे है जिहड़े कोई घरां दे विचों तां चाहे वह बेचारे चंगे घरां तों है संपन्न घराने तों है लेकिन उन्होंने जिहड़े बच्चे हैगे या तो फॉरन कंट्री दे विच है या कितें बाहर वह नौकरी वगैरह कर रहे जिथों छड्ड के आ नहीं सकते तो उस तरह के जिहड़े कई बजुर्ग हैगे है जे उन्होंने कोई समस्या आ जाती है उन्होंने हस्पताल दे विच दिखा के लैके आना तो जे दाखिल करन वाला केस है तो हस्पताल दे विच उन्होंने दाखिल करवाना तो जे दाखिल होने वाला केस नहीं हैगा घर दे विच ही रहने वाला केस है तो उन्होंने भी उत्थे हर एक तरह की व्यवस्था जिवें दोनों टाइम की रोटी या जे कोई उन्होंने होर भी रिक्वायरमेंट है वह भी साडे वल्लों जिहड़ियां हैगियां पूरी करवाइया जा रही हैं। नहीं फिलहाल कोई खास तैयारी करने वास्ते तो कुछ स्पैसीफिक नहीं किया गया है। एक केस ही इन्ने ज़्यादा हो चुके हैं भी जे असी तैयारी की गल करिए सहयोग की गल करिए प्रशासन वालों सानू शुरू तो ही सहयोग दिता जा रहा है। साड़ी सारी टीमों का बार 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 मतलब वो खुद फोन करके उन्होंने ड्यूटी लगिया हुई हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के बंदे की तो सिविल प्रशासन वालों भी सानू पीपी किट्स ग्लव्स मास्क सैनिटाइजर इन चीज़ों की कोई कमी नहीं आन दी जा रही। साड़ी सुरक्षा का खास का साडे जिहड़े वलंटीयर्स है जिहड़े करोना वॉरीयर्स है जिहड़े कि पॉजिटिव केसा दे नाल ही ज़्यादा डील कर रहे हैगे है तो उन्होंने सुरक्षा जिहड़ी है प्रशासन वालों बड़ी मतलब उहदे विच अहम भूमिका निभाई जा रही है जी। किन्ने जणे दी तुहाडी टीम है जी? साड़ी फिलहाल 60 के करीब जिहड़े वलंटीयर हैगे है वह लगातार इस चीज़ दीआं सेवावां दे रहे हैं क्योंकि किसी कोल जे कोई सर्विस कर रहा हैगा तो उहदे कोल जे सवेर दा टाइम फ्री है तो सवेरे सेवावां दे रहे हैं, सर्विस खत्म होने तो बाद रात नूं सेवावां दे रहे हैं, जिहड़े कोई स्टूडेंट हैगे है वह सानूं दुपहरे सेवावां दे दिंदे हैं। इस तरह असीं टीमां वंड रखियां भी जिहदे कोल जदों टाइम हैगा वह आपदे टाइम दा आपदा जिहड़ा कीमती टाइम दे के वह मनुखता की जिहड़ी इस टाइम सेवा की सानूं जरूरत हैगी उहदे विच आपदी वधिया भूमिका अदा कर रहे हैं सारे वलंटीयर ही। नहीं जी क्योंकि कुछ तो फ्रंट वॉरीयर करके तो असी लगवा लिया है तो कुछ हले जिमें आम लोगों समस्या ज़्यादा हैगी है तो वैक्सीनेशन जी हैगी है वह बड़े पद्धर से जरूरत है 45 साल तो जोड़ा है वह लगाने की जा रही है गल तो 1 तरीक तो जोड़ा है 18 साल के लैके हर एक उम्र के जोड़े है व्यक्ति वो लगा सकनगे तो वो जड़िया साड़िया टीम है जी उन्होंने कुछ जने तो जो लगवा ही चुके जे कोई ज़्यादा ही ज़्यादा एक्टिव है इस काम के लिए तो जिमें मैं आप खुद दोनों डोज लगवा चुका है तो 18 तरीक जी 1 तरीक तो बाद मोस्टली सारे वॉलंटियर है जेडे उन्होंने असी
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਬਣਵਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਅਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਵਲ 1 ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿਮਟਮ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕੀ ਸਿਮਟਮ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਹੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਹੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ 2 ਜਾਂ ਲੈਵਲ 3 ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ 3-4 ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ।